की बर्थडे पार्टी में है और मैं डायरेक्ट शूट से पवन जी की पार्टी में आ रही हूँ और मैं पवन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं करना चाहूँगी। एक मिनट, पवन जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। पवन जी को मैं बोलूँगी हैप्पी बर्थडे टू यू। उनका हर साल ऐसे ही रहे, हमेशा बैक टू बैक उनकी पिक्चरें हिट होती रहे, सुपर हिट, और उनकी आवाज़ तो माय गॉड, उसके तो मैं फ़ैन हूँ। हर साल उनको उनकी वॉइस के लिए अवार्ड भी मिलता है। और पवन जी बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, उनकी जितनी तारीफ करें उतना कम है। और जहाँ तक बात है पार्टी की, तो पार्टी में सभी इंडस्ट्री के सुपरस्टार, सब हीरोइंस, एवरीवन यहाँ पे है मौजूद। और हम लोगों ने भी बहुत डांस किया है, धमाल किया है, मस्ती किया पार्टी में। तो आप बताइए क्या पूछना चाहेंगे? अरे बाप रे बाप, हाँ भाई, क्या कहना चाहेंगे? मोलेस्टेशन हुआ बहुत महिलाओं के साथ, क्या किया? मोलेस्टेट किया गया, उन्हें छेड़छाड़ किया गया, शादी से इनकार कर दिया। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी पूरे हिंदुस्तान वासियों को कि देखिए, अपनी भी घर में सबकी बहनें होती हैं, उनकी जैसे इज्जत करते हैं वैसे ही कहीं अब आप बाहर जा रहे हैं तो महिलाओं की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। और पार्टी में जाने का सबका हक है यार, लड़कियों का भी हक है। अगर ये ड्रेस से आप लोग जज करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, और किसी भी लड़की को ऐसे छेड़ना नहीं चाहिए। और इवन लड़की को खुद को फील होना चाहिए हम भारत देश में हैं तो हम सेफ हैं यहाँ। तो मैं यही अपील करूंगी मेरे सब फ्रेंड से, सब लोगों से, ये छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वेरी बैड। मैडम धोनी ने स्टेप डाउन किया कैप्टन से, ये आतंकवादी और उसमें मेरे साथ में खड़े ड्रेस बोलना पड़ा, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया, पूरा संभाला है और हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया है। आतंकवादी भी हमें हमारे प्लीज जरूर देखिएगा, होली में आ रही है, होली में आ रही है। खिसारी जी, मी, अवेश मिश्रा, डिफरेंट लुक में, डिफरेंट लुक में तो मैं आतंकवादी बनी हूँ बट मैं आतंकवादी नहीं हूँ। धोनी की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत अच्छा खेलता है, मैं उनके हर मैच देखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो कंटिन्यू कैरी ऑन करे, कैप्टनशिप ना छोड़े। बस बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा, पवन जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान करें वो लाखों बरस की हैं और जो हमेशा उनको भी देते रहें। बस यही कहना चाहूँगा।